ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा आलू के पकोड़े बेचा करता था। आलू पकोड़े ले लो, आलू पकोड़े की प्लेट ले लो, आलू पकोड़े की प्लेट ले लो। जंगल में रहने वाले सारे पक्षियों को उसके बने हुए आलू पकोड़े बहुत पसंद थे। एक दिन जब कालू कौवा अपना काम खत्म करके घर जाता है तो उसकी पत्नी टंटनी कहती है, ये क्या जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ हाँ भगवान, आज आलू के सारे पकोड़े बहुत जल्दी बिक गए और आलू भी खत्म हो गए हैं, इसलिए अब मैं बाजार से आलू लेने जा रहा था, सोचा घर से भी होता हुआ जाऊं। दादी दादी, मेरे लिए आते वक्त जलेबियां लाजमी लेकर आना। हाँ हाँ बेटा, जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार में आलू खरीदने चला जाता है। भाई ये आलू किस तरह किलो दे रहे हो? अरे ये आलू तो 300 रुपए किलो हैं। अपने बाप, ये आलू तो बहुत महंगे हैं। ये 300 रुपए किलो कब हो गए? अगर इतने महंगे लग रहे हैं भाई साहब तो कोई और सब्जी ले लो, ऐसे भी पूरे बाजार में सिर्फ एक मैं हूँ जो 300 रुपए किलो दे रहा हूँ, बाकी सब पक्षी तो 350 रुपए पर किलो दे रहे हैं। फिर कालू कौवा 1 किलो आलू लेकर घर आ जाता है। ये क्या जी, आप आज इतने थोड़े से आलू क्यों लेकर आए हैं? क्या आपने दोबारा कल बाजार जाना है? नहीं नहीं भगवान, बाजार में आलू बहुत महंगा था, 300 रुपए किलो बिक रहा था, इसलिए मैं बस 1 किलो ही घर लेकर आया हूँ। आप ऐसा करें जी, कल से पकौड़ों की प्लेट भी महंगी कर दें, आलू जो महंगा हो गया है। हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि मैं भी कल से पकौड़ों की प्लेट 50 रुपए की दूंगा। फिर अगले ही दिन से कालू कौवा पकौड़ों की प्लेट 50 रुपए की कर देता है। आलू पकौड़े ले लो, 50 रुपए की आलू पकौड़े की प्लेट ले लो, 50 रुपए की आलू पकौड़े की प्लेट ले लो। लेकिन कोई भी पक्षी कालू कौवे के पकोड़े नहीं खरीदता। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा जी? अगर आप रोजाना सारे पकोड़े घर ही ले आएंगे तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या करूं टंटनी, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। कोई भी पक्षी 50 रुपए की पकोड़े की प्लेट नहीं लेता। अजी मैं सोच रही थी हमारी कट्टो किस दिन काम आएगी। कल जब मैं कट्टो को दाना चुगने देख रही थी तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अंडों के पकोड़े बनाकर बेचना शुरू करते। लेकिन टंटनी, हम इतने अंडे कहाँ से लेकर आएंगे? और क्या हमारी कट्टो रोज इतने अंडे देती है कि हम अंडे वाले पकोड़े बनाकर बेच सके? हमारी कट्टो रोजाना 3 अंडे देती है और हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। अभी आप चल कर देखे हमारी कट्टो ने अंडे दिए होंगे। वो दोनों जाकर देखती हैं तो उनकी कट्टो ने वाकई ही में 3 अंडे दिए होते हैं। फिर अगले ही दिन टंटनी और कालू दोनों अंडे वाले पकोड़े लेकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। अंडे वाले पकोड़े ले लो, अंडे वाले पकोड़े ले लो, सस्ते स्वादिष्ट अंडे वाले पकोड़े ले लो, एक प्लेट सिर्फ 20 रुपए की अंडे वाले पकोड़े ले लो। टंटनी, अंडे वाले पकोड़ों की एक प्लेट चटनी के साथ कितने की है? बुलबुल बहन, हमने प्लेट अब सस्ती कर दी है, अब चटनी के साथ सिर्फ 20 रुपए की प्लेट है।
हाँ हाँ बुलबुल बहन, टंटनी के हाथ के अंडे के पकोड़े खा कर तो देखो, तुम्हें स्वाद आ जाएगा। अंडे वाले पकोड़े तो बहुत ही मजे के बने हैं, टंटनी मुझे एक और प्लेट भी देना। तरह सारे पक्षियों को टुनटुनी चिड़िया के अंडे वाले पकोड़े बहुत पसंद आते हैं और इस तरह उन दोनों का काम फिर से शुरू हो जाता है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।